हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, वेलकम टू जीके स्कॉलर। फ्रेंड्स, जीके स्कॉलर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जीके स्कॉलर आप सभी का बहुत स्वागत करता है। दोस्तों, जल्दी से जुड़ जाइए इस पढ़ने पढ़ाने की पाठशाला में और वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, ठीक है, क्योंकि वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं फिर आपके लिए। फिर से हम लेकर के आ गए हैं यूपीएससी कलेक्शन आपके लिए, तो जल्दी जुड़ जाइए मेरे भाई और वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहूँगा आपसे कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना। और आप हम भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हम जो भी वीडियो को अपलोड करें वो तो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उसके बाद बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो तो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछली वीडियो में 26 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, उसमें हमने डाल दिया है, उसका नाम दिया है हमने। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर लिख दी जाएगा आपको पार्ट 15 और ब्रैकेट में होगा एक, ठीक है, पार्ट 15 और ब्रैकेट में एक, यानी जो उससे पहले की 26 जो क्वेश्चन हमने कवर किए थे इस वीडियो के, वो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं दोस्तों। और ये क्वेश्चन अब स्टार्ट करेंगे हम आज से 27 से, ठीक है दोस्तों, 27 क्वेश्चन से आज हम ये वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। और यहाँ पर आपको, ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यहाँ पे हम आज की वीडियो का नाम रख देंगे यहाँ पर टू, ठीक है, पार्ट 15 और टू। ये पार्ट 15 का टू है आज, इससे पहले हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मेरे भाई, शुरू कर लेते हैं वीडियो को बिना देरी किए। और आपके सामने पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके दिख रहा होगा, 27। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक की वृद्धि दर अंकित की तो कितनी की थी। क्वेश्चन ये पीसीएस मेंस 2009 के बैच में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, पीसीएस मेंस 2009 के बैच में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है 27। तो 27 का क्वेश्चन आपने जल्दी बताना है क्या होने वाला है, कि उत्तर प्रदेश ने जो उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की थी वो कितने की थी। ऑप्शन आपके सामने है, पांचवी योजना में, छठी योजना में, दसवीं योजना में, ग्यारहवीं योजना में। दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं, ऑप्शन भी दिए हुए हैं, तो चलिए जल्दी से बता दीजिए इनका आंसर क्या होने वाला है। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। दोस्तों, जिन बच्चों ने सोचा है ऑप्शन बी, छठी योजना में, तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि छठी योजना में उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की थी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कर सही उत्तर चुने। पीसीएस मेंस 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, ये पीसीएस मेन 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। सूची पर आपको यहाँ दी हुई है, सूची टू यहाँ पर है, आपको भी मैचिंग करना है, इनका मैचिंग क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन क्या होने वाला है दोस्तों, आंसर इसका जल्दी बताना है, हमें डिस्कस करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन, वेरी गुड दोस्तों। तो चलिए मेरे भाई, इसको पहले मैच कर लेते हैं, ठीक है, इसको पहले मैच कर लेते हैं। कहता है कि इंडियन टेली इंडस्ट्रीज, ये कहाँ पर है दोस्तों, ये है रायबरेली में। कहाँ पर है ये, रायबरेली में। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया दिया था कि हम पहले ऑप्शन कट कर लेते हैं, जो एक ही लाइन में स्टार्टिंग करनी है हमें टू से, हमें स्टार्टिंग टू से करनी है। ऑप्शन फोर यहाँ पर कट हो जाएगा और ऑप्शन डी यहाँ पर कट हो जाएगा दोस्तों। और हमें एक क्वेश्चन और अगर हमको याद होता है, मिल जाता है, पहली बात अगर ऑप्शन एक ही मिल गया क्वेश्चन एक, तो हमारा क्वेश्चन 99% ठीक जाने के चांसेस रहते हैं,
और हमें एक और क्वेश्चन और मिल जाए, तो कोशिश करते हैं वो भी देखने की। और हम बात करें कृत्रिम अंग निर्माण निगम, उसे कहाँ पर है, तो ये है कानपुर में। कहाँ पर है ये? कानपुर में। तो हमें सी को देखना है, हमें सी देखना है दोस्तों कि पहला ऑप्शन क्या होने वाला है, सी का, यानी सी का पहले के साथ जाना है। तो यहाँ से ये ऑप्शन कट हो गया, डी पहले से ही कर रहे हैं, बचा ऑप्शन सी। तो दोस्तों सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ का इस क्वेश्चन का बिल्कुल दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप समझ सकते हैं क्वेश्चन कितना सिंपल था ये। तो चलिए शुरू देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो कथन दिया हुआ है ये, PCS मेंस का क्वेश्चन है ये, 2009 के बैच में ये क्वेश्चन पूछा गया था। कहता है तीसरी रेल कोच फैक्ट्री अमेठी में स्थापित की जा रही है दोस्तों। दो कहता है फिरोजाबाद पोल्ट्री उद्योग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। थर्ड कहता है यूपी डेस्को इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का एक निगम है। फोर्थ कहता है पोलिएस्टर रेसा फैक्ट्री बाराबंकी में स्थापित है दोस्तों। अब तो कूट ही दिए हुए हैं यहाँ पर, केवल एक दो सही हैं, केवल दो तथा तीन सही हैं, केवल तीन चार सही हैं, ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, 29 का राइट ऑप्शन जाएगा आपका, वेरी गुड दोस्तों, बताइए। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, वेरी गुड। तीन और चार यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी यहाँ पे इसके साथ चला जाएगा 29 के साथ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर दोस्तों। कहता है सुमेलित करना है, सूची वन सूची टू दी हुई यहाँ पर। ये क्वेश्चन PCS मेंस का है दोस्तों, PCS मेन में 2010 में क्वेश्चन पूछ रहा है ये। यहाँ पर कह रहा है पारंपरिक कला या शिल्प, यहाँ पर संबंध स्थान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का कह रहा है मिट्टी के बर्तन, कास्ट नक्काशी। चलिए थोड़ा सा जूम कम करता हूँ मैं इसका, ताकि आपको देखने में आसानी हो सर, वेरी गुड। ठीक है दोस्तों, जो मिट्टी के बर्तन बनते हैं वो बनते हैं पीलीभीत में। कहाँ बनते हैं? पीलीभीत में, बताइए बनते हैं नहीं? पीलीभीत में बनते हैं नहीं मिट्टी के बर्तन दोस्तों, जल्दी बताना है इसका आंसर आपको। वेरी गुड, नहीं बनते यहाँ पर, सही बच्चों को ऑप्शन आ गया, नहीं बनते यहाँ पर। ठीक है, फिर कहाँ बनते हैं? वेरी गुड, कहाँ बनते हैं? खुर्जा में। ठीक है, खुर्जा में बनते हैं। चलिए फिर देख लेते हैं, पहले एक ही सारणी को देखते हैं हम, क्वेश्चन कट करते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से कट हो जाएगा, बी भी कट हो जाएगा, ऑप्शन सी या डी में से ऑप्शन हमें देखना है अभी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जिससे कि आसानी हो जाए हमें। वेरी गुड, जो जरी है दोस्तों, जरी वो है बरेली से संबंधित, जो पारंपरिक कला है शिल्प है जरी, उसका संबंध स्थान है बरेली। तो अब हमें चॉइस करनी है डी में से चॉइस करनी है एक ही, यहाँ पर सी ऑप्शन कट गए, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर मैचिंग करके दिखाता हूँ। मिट्टी के बर्तन, खुर्जा, ठीक है, काश नक्काशी है बरेली, यहाँ से जो काश नक्काशी है वह है बरेली दोस्तों। ठीक है, तो यानी ऑप्शन सी आप देख सकते हैं यहाँ से, जो मिट्टी के बर्तन है खुर्जा में, तो यानी एक ही सारणी में देखना हमने, टू यहाँ पे मिल गया, फिर काश नक्काशी बी, यानी बी का देखना हमने एक के साथ, तो बी के सारणी में देखना एक के साथ, ये चला गया। तो ऑप्शन यहाँ पे सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। यहाँ से दोस्तों आपको सूची दी हुई है, यहाँ से फिर से सूची दी हुई है यहाँ पे, सूची एक और दो को सम्मिलित कर सही कूट से सही उत्तर चुने। और यहाँ पर औद्योगिक केंद्र दिए हुए हैं, ये प्रमुख उद्योग है इसका ये। ठीक है, ये कौन सा औद्योगिक केंद्र, उसका प्रमुख उद्योग क्या है,
क्वेश्चन नंबर 31। चलिए बताइए इसका आंसर दोस्तों जल्दी। वेरी गुड, ठीक है ठीक है, सही बच्चों का ऑप्शन आ गया है। वेरी गुड, आगरा जो है दोस्तों औद्योगिक केंद्र हो जाएगा पटना संबंधित, किस हो जाएगा पटना संबंधित। फिर मुख्य केंद्र है जो हो जाएगा पटना संबंधित। हमें देखना है ऑप्शन ए को मैच करने के बाद, ऑप्शन कट करते हैं, ऑप्शन ए कट और डी कट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है बच्चे। ऑप्शन बी और सी, एक क्वेश्चन देखते हैं और। तो कानपुर जाना जाता है दोस्तों, मैंने बताया था आपको ऊपर पिछली वीडियो में, सॉरी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है कि कानपुर जाना जाता है वो चमड़े के उद्योग, चमड़े का सामान के लिए, और मेरठ खेलकूद के सामान के लिए, बता दिया मैंने आपको, देख सकते हैं हमारी वीडियो पीछे। तो ऑप्शन यहाँ से मिल जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन बी, ठीक है ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, बिल्कुल ही राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। सभी बच्चों को समझ में आ रहा दोस्तों, जल्दी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो जल्दी शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। कहते हैं कि प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है दोस्तों, PCS में दोस्तों 2012 का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हाल फिलहाल का क्वेश्चन है ये, आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये। कहता है कि प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है दोस्तों, कहाँ की गई है? ऑप्शन है रायबरेली, नोएडा, कानपुर या अमेठी। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 को ऑप्शन आपने बताना है, क्वेश्चन नंबर 32 को ऑप्शन जल्दी बताइए दोस्तों क्यों होने वाला है। जो प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है वो की गई है, वेरी गुड, यहाँ पर रायबरेली में दोस्तों, ऑप्शन ए यहाँ पे आपके बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, रायबरेली, ठीक है वेरी गुड दोस्तों। फिर से क्वेश्चन आ चुका है क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है दोस्तों? हमने अभी पिछले मैच किया था, वो कर लिया था कि वो है खेल के सामान के लिए, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसलिए हम इसको ज़्यादा इसके बारे में, ज़्यादा डिटेल के बारे में नहीं जानते। बात करते हैं 34 की ओर। 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल दोस्तों स्थापित की गई है, कहाँ की गई है? यूपी मेन का क्वेश्चन है दोस्तों, ये मेन से क्वेश्चन है 2013 का, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी, अगर आप देख सकते हैं थोड़ा सा चीनी मिल के बारे में। और 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई है दोस्तों, कहाँ की गई है वो? क्वेश्चन नंबर 34, वेरी गुड, कहाँ पे? प्रतापपुर में, ऑप्शन बी यहाँ से आपका दोस्तों बिल्कुल राइट ऑप्शन जाएगा, बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे के साथ इसका ऑप्शन चला जाएगा दोस्तों 34 का। अब बात करते हैं दोस्तों 35 की, ठीक है 35 कहता है हिंडाल्को स्थापित है दोस्तों, जो हिंडाल्को है वो कहाँ पर स्थापित है? ये भी क्वेश्चन दोस्तों यूपी मैन का है, मैंस का क्वेश्चन है 2013 का, ये भी वो सिंपल क्वेश्चन है ये भी। तो चलिए जल्दी इसका आंसर बताना आपने, क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन क्यों होने वाला है दोस्तों? जो डिंडाल को स्थापित है वो है कहाँ पर? वेरी गुड, रेणुकूट में, रेणुकूट बिल्कुल द राइट ऑप्शन रहेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर, चलें ठीक है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है दोस्तों, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम जो स्थापित है वो कहाँ पर है? यूपी मेंस का क्वेश्चन 2013 का, यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पर, यूपी मेंस में 2013 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 36, और अब आपने इसका क्वेश्चन बताना है, 36 का ऑप्शन जल्दी होता दोस्तों, अब बताना है आपको क्या होने वाला है। वेरी गुड, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास निगम जो स्थापित है वो है कानपुर में, कहाँ पर है? कानपुर में, ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं दोस्तों, समीक्षा अधिकारी
और मेंस का क्वेश्चन दोस्तों मुख्य मुख्य परीक्षा यानी मेंस का 2013 के बैच का क्वेश्चन पूछा गया है ये। 37 का ऑप्शन जल्दी दोस्तों क्या होने वाला है बताइए। द राइट ऑप्शन हो जाएगा वेरी गुड कानपुर आगरा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ए फॉर एप्पल के साथ इसका ऑप्शन चला जाएगा दोस्तों। ठीक है तो कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ये। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब 38 क्वेश्चन की। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है दोस्तों। पीसीएस मेंस का क्वेश्चन 2014 का, पीसीएस मेंस 2014 का क्वेश्चन है ये। अरे कौन सम्मिलित नहीं है 38। वेरी गुड दोस्तों 13 शोध संस्थान है मथुरा में है। वेरी गुड उर्वरक संयंत्र लखनऊ में नहीं है। वेरी गुड यहाँ पर इसका ऑप्शन बी ऊपर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक और जो कालीन उद्योग है भदोही में है। एल्युमिनियम उत्पादन है वो सोनभद्र में है। ठीक है चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन 39 की ओर। कहता है कि उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र स्थित है। पीसीएस प्री तो पीसीएस प्री का क्वेश्चन पूछा गया 2016 में। पीसीएस प्री ने क्वेश्चन पूछा है 2016 में तो अब आपको इसका ऑप्शन बताना है। तो बताइए 39 का ऑप्शन क्या जाएगा। वेरी गुड दोस्तों जो सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग है वो है नोएडा में। ऑप्शन सी यहाँ पर दोस्तों आपका बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 40 की ओर। तेल शोधक कारखाना स्थित है दोस्तों। लोअर का क्वेश्चन है मेंस का, लोअर मेंस का क्वेश्चन 2015 का क्वेश्चन है। 2015 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों ये। तेल शोधक कारखाना स्थित है 40 का क्वेश्चन होने वाला है। 40 का ऑप्शन दोस्तों वेरी गुड कहाँ पर है तेल शोध मथुरा में। हमने डिस्कस कर लिया दोस्तों ये क्वेश्चन घुमा कर पूछे जाते हैं मगर रिपीट जरूर होते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन रिपीट हुआ हुआ है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार दोस्तों रिपीट भी हो चुका है। ठीक है चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। किस धातु के हस्तकला उद्योग के लिए मुरादाबाद को जाना जाता है दोस्तों। वो सिंपल क्वेश्चन है ये तो किसके लिए पीतल के लिए। ऑप्शन ए वेरी गुड सिंपल क्वेश्चन था इसलिए मैंने ज़्यादा देर नहीं लगाई। ठीक है निम्नलिखित युग में से कौन एक सही नहीं है। वेरी गुड चूड़ी उद्योग नहीं है ये शाहजहाँपुर में नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों वो सिंपल क्वेश्चन है देखो ये पीसीएस का क्वेश्चन है मेंस का इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा था 2017 में। ठीक है चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। उत्तर प्रदेश के किस नगर को पीतल नगरी कहते हैं। फिर से सिंपल क्वेश्चन दे दिया मुरादाबाद को कहते हैं पीतल नगरी बार फिर रिपीट हो गया मगर क्वेश्चन घुमाने का पूछने का तरीका अलग था। फिरोजाबाद में पिछले 200 वर्षों में से निम्न में से किस वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है दोस्तों। यूपीपी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है ये। फिरोजाबाद में पिछले 200 वर्षों से निम्न में से किस वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है दोस्तों। वेरी गुड किसका जो फिरोजाबाद जाना जाता है वो किसके लिए चूड़ियों के लिए कांच की चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद और तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर दोस्तों। कहता है कि निम्न में से कौन जिला कालीनों के उत्पादन वे निर्यात के लिए प्रसिद्ध दोस्तों। मंडी परिषद में 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है और कितना ही सिंपल क्वेश्चन है ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ठीक है किसके लिए जो कालीनों के लिए जाता है ना कालीनों के लिए है दोस्तों जाना जाता है भदोही तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपको बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 46 और औरैया जिला निम्न में से किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है। मंडी परिषद 2019 में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। मंडी परिषद में क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है
तो अब आपको इसका ऑप्शन बताना है दोस्तों, गुड़, शहद, देसी घी या हींग। और औरैया जला दोस्तों, औरैया वो किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है, करता है। 46 का वेरी गुड, देसी घी का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, ये है आपके स्क्रीन पर 47। निम्न में से किस शहर में लकड़ी से ढोलक बनाने की लगभग 300 इकाइयां हैं। मंडी परिषद 2019। सिंपल क्वेश्चन था, आप बता सकते थे इसका आंसर। तो चलिए दोस्तों अब मैं इसका आंसर नहीं बताने वाला आपको, तो दोस्तों ये थे आज के आपके 47 क्वेश्चन जो मैंने आगे डिस्कस कर लिए हैं। 47 तक को हमने पिछली वीडियो में 26 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, और जो बचे क्वेश्चन थे वो हमने आज डिस्कस कर लिए हैं दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना एक, और वीडियो को एक बार शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स में। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए इसी तरह।